खरगोन जिले के गोगांव थाने में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान एसडीएम ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में राजस्व, जनपद पंचायत और पुलिस की टीम द्वारा गोगांव में करीब 39 व्यावसायिक परिसरों से अतिक्रमण हटाकर करीब 17,14,44,000 रुपए कीमत की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल गोगांव की महिला सरपंच रेशमा बाई पति राजेंद्र सिंह राणा द्वारा वर्षों से शासकीय कन्या स्कूल परिसर के पास अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन रसूख के चलते आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, जिसके बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश के बाद खरगोन एसडीएम ओम नारायण सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्यवाही की गई। वहीं प्रशासन द्वारा मोहम्मदपुर रोड पर थाने के सामने सहित अन्य जगहों से भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। एसडीएम ओम नारायण सिंह का कहना है कि कलेक्टर द्वारा बैठक में दिए गए निर्देश पर गोगांव में जनपद, राजस्व और पुलिस की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बेशकीमती जमीन को मुक्त करवाया गया है। हाँ, इसमें कलेक्टर महोदय की टीएल लगी हुई थी, उसमें स्थानीय सीओ, पंचायत और तहसीलदार के द्वारा कुछ क्षेत्रों को अतिक्रमण के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था और उनका विधि अनुसार उसका डिस्पोज करने का था और उसी के संदर्भ में लगातार विधिवत सूचना और विधि अनुसार उसको हटाने की कार्रवाई किया था। इसके अंतर्गत आज कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। कितने इसमें सर कीमत की सर जमीन मुक्त करेगी? कुल इसमें 39 व्यावसायिक परिसर हैं और दूसरी चीजें हैं। कुल तहसीलदार के लेख अनुसार बाजारी मूल्य 17,14,44,000 रुपये है। स्कूल की बाउंड्री भी थी सर उसमें? उसकी स्कूल की बाउंड्री से लगे हुए पूरा क्षेत्र फ्री कर दिया गया है, मतलब जहाँ जहाँ भी बालिकाओं शिक्षा संबंधित है और खासकर आम जनों की सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो भी कलेक्टर महोदय के निर्देश थे उसके अनुसार जनपद सीओ, तहसीलदार और हमारा एसडीओ उसको विधिवत। आपको बता दें कि अब तक 39 व्यावसायिक परिसरों से अतिक्रमण हटाकर करीब 17,14,44,000 रुपए कीमत की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, खरगोन।